उसके बाद इसका नंबर नेम में लिखना है, नंबर नेम देख सकते हैं 0.044 जैसा कि पिछली आप कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बी इज अपॉन 100। अब इसमें देखिए कितने जीरो नीचे हैं, दो जीरो है ना, तो दो डिजिट बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पहले डिजिट हो जाएगी आपकी 8, एक और डिजिट चाहिए जीरो ले लीजिए, उसके बाद पॉइंट ले लीजिए, उसके बाद ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये हमारे साथ क्वेश्चन नीचे कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगी, टू डिजिट। पीछे से कितने हैं, पहले डिजिट हुई आपकी ये होगी दूसरी डिजिट, दो जीरो से दो डिजिट के बाद आपका लगा दीजिए पॉइंट का लगा दीजिए, उसके बाद और बाकी नंबर हो गया आंसर आपका, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन फॉलो करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इस फ्रैक्शन को हमें बदलना है इसमें डेसिमल में बदलना है, तो डेसिमल में बदलने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि ये जो 5 है इसको 10 के मल्टीपल के रूप में बनाते हैं। ये कैसे 10 के मल्टीपल, अगर इसमें हम क्या करते हैं 2/5 के मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों, तो ये हो जाएगा 4/10। और जब 4/10 हुआ तो नीचे आगे एक जीरो, एक डिजिट बाद आपका लगा देंगे पॉइंट, ये भी पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद ये आपका 0.0। इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 3/6/25, सबसे पहले हम निकाल को क्या मानते हैं 100 के मल्टीपल, तो 25 को हम क्या मान सकते हैं, इसे 100 बना सकते हैं, तो 100 कैसे बनेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से नीचे और 4 से ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई करने का नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, इसके बाद पॉइंट और तब कोई डिजिट नहीं है 0.24। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी को देखते हैं 5/4/10। ये हमारे सामने नंबर है, सबसे पहले तरीके का इसमें से हम लोग 5 को अलग करने के लिए 4/20 को अलग करेंगे, 5 को अलग करेंगे 4/20 को अलग करेंगे। अब अलग करने के बाद क्या करना पड़ेगा, 5 ये रहेगा ही, 4/20 उधर इसी को अलग करना है, इसमें डेसिमल में इसी इसी हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को 100 के रूप में करना पड़ेगा। 20 में कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 5 से नीचे 5 से ऊपर, अब वो क्या करें नीचे आप देखिए 100 आ गया, 0 मल्टीपल के रूप में आ गया, और ऊपर का जाएगा 5/20। पहले 5 + उसके बाद 20/100,
हंड्रेड सेवन हो जाएगा फाइव प्लस दो जीरो शुरू में मानो और उसके बाद दो जीरो तीन जीरो चाहे जितने भी जीरो बनाना चाहिए। लेकिन इसमें टू था जीरो था लेकिन यहाँ पर टू था इस वजह से टू को हटाने के लिए क्या बनाया वन बना था। क्वेश्चन नंबर तीन में कन्वर्ट करना है डेसिमल को फ्रैक्शन। अब यहाँ पर डेसिमल को पार्ट सेवन बदलना है इसमें फ्रैक्शन। अब देखिए ये चीज पहले पॉइंट पे भी है तो क्या करेंगे आप नीचे ये जीरो लिखा है सिंपल। जैसे अगर अभी इसमें देखिए 0.15 पीछे से काउंट कर लीजिए 1 2 2 डिजिट के बाद क्या लीजिए पॉइंट लगी हुई है तो पॉइंट हटा कर नीचे क्या लगा लीजिए दो जीरो लगा लीजिए आंसर हो जाएगा। अगर 3 डिजिट की बात करेंगे तो 3 जीरो लगा लीजिए जैसे डी बार आता है 0.175 1 2 3 तीन डिजिट बाद लगी हुई है यानी कह सकते हैं 1000 से कम लगी हुई है तो आप नीचे क्या करते हैं नीचे 3 जीरो जारी आउट आ जाए। इसके बाद एक एस करते हैं क्वेश्चन नंबर एस 73.125। अब इसमें देखिए 1 2 3 तीन डिजिट की बात लगी हुई है ना तो पॉइंट हटा दीजिए बाकी पूरे नंबर को लिख दीजिए पूरा नंबर लिखा जाएगा पूरा नंबर लिख दीजिए नीचे क्या आ जाएगा नंबर 3 0 तीन तीन डिजिट पर पॉइंट को हम लोग हटा दिए हुए सारे दवाएं सारे पॉइंट